साल भर जिनकी कोई खैर खबर ना पूछे वो दलित चुनाव आते ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस बार हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दलित खेमे से कांग्रेस की सीनियर नेत्री शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो रिलीज में नहीं पहुंचे तो बाकी राजनीतिक दलों में खलबली मची कि कांग्रेस ने हुड्डा परिवार के वर्चस्व के आगे शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला को साइड कर दिया है। बातों का बाजार गर्म रहा कि बीच में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान आया कि दलित नेत्री शैलजा कुमारी का कांग्रेस में अपमान हुआ, वो हमारे पास आए, हम उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए राजी हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल के बाद बीते 25 सितंबर को हरियाणा में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलित कार्ड खेलने की भरसक कोशिश की। यहां जो सिर फुटोवल हो रही है ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा, दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी से आगे दलित वोटर्स के आगे हाथ लपकाते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला को बनाया जाएगा। ये भी मैं बताना चाहती हूं कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे मान्य चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का, बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। एक सवाल ये है कि आखिर क्यों लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां हरियाणा में दलित वोटर्स को अपने खेमे में करने के लिए लगी हुई हैं? इसके लिए हमने उनका राज्य में प्रतिशत जानने की कोशिश की तो पता चला कि हरियाणा में दलित आबादी की संख्या लगभग 20.17% है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, जिसमें हरियाणा की कुल आबादी 2,53,51,462 थी। दलित समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि SC के रूप में भी जाना जाता है और हरियाणा में उनकी संख्या राज्य की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरियाणा में अनुमानित जाट आबादी करीब 25% है। जाट और दलित की आबादी करीब 45% पहुंचती है, मतलब हरियाणा के जाट दलित किसी भी राजनीतिक दल को चाहें तो कुर्सी पर बैठा सकते हैं और अगर चाहें तो उतार भी सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों की नज़र में हरियाणा का दलित वोटर एक सुनहरे सपने के जैसा चमक रहा है। अगर हम हरियाणा के टोटल समाज की जातिगत संरचना की बात करें तो ओबीसी की आबादी करीब 35% है। ये राज्य में मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग है। ओबीसी के बाद दूसरे नंबर की आबादी जाट जाति की है।
माना जाता है कि हरियाणा में जाट आबादी करीब 27% है। तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित, जिनकी आबादी 20.17% से अधिक मानी जाती है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। यानी बीजेपी जिस ओबीसी और दलित समुदाय के हितों की बात कर रही है, उसकी आबादी राज्य में 55% से अधिक है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा का दलित वोटर किसके खेमे में जा गिरता है, किसकी किस्मत चमकती है और कौन घर मायूस वापस लौटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।